अरे क्या हुआ क्या हुआ? जब इधर सीढ़ी वगैरह नहीं होती थी ना, तो भाई यहाँ से सीढ़ियों से नीचे आते थे, तब जाके यहाँ से कुएं से पानी भर के लेके जाते थे। ये देखो भाई, बैटमैन चमगादड़। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया ही होंगे। आपका मैं एक और नए व्लॉग में बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का सीन ये है, बता देता हूँ। आज हम आए हैं भूतों के अड्डे पे। भूतों का अड्डा मतलब, आप दिखाता हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर है भाई कुलधारा गांव है। ये एक श्रापित गांव है। रात ही रात में 84 गांव खाली हो गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि भाई यहाँ पे भूत रहते हैं, एक्सपोजेड भूतों की हवेली बोला जाता है इनको। तो यहाँ पे देखते हैं भाई भूत आया नहीं है। चलो चले, चल चलते हैं, आ जाओ। अभी हम आ चुके हैं कुलधारा गांव के मेन गेट पे। यहाँ पे मेन गेट है, ठीक है। तो अभी आया और चलते हैं कुलधारा के बारे में जानते हैं, इसकी मेन कहानी क्या है, क्या चीज है इसका। चलो चलते हैं, चलते हैं, अंदर जाके बताते हैं आपको क्या चीज है। तो फ्रेंड्स, अभी हम अंदर आ गए, एंट्री हो गई हमारी। तो भाई ये कुलधारा का टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पे, आओ इसे पढ़ते हैं एक बार। इस पे जूम करना भाई। लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधारा के चारों ओर 84 गांव का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों के वजह से उन्हें रातों रात गाँव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गाँव वीरान है। तो भाई ये टाइटल है, यहाँ का कुलधारा का मैप बना हुआ है, ठीक है। तो आइए इसकी वीरान कहानी जानते हैं अंदर चलकर। चलो अंदर चलते हैं अब, चले। सभी हम कुलधारा गांव के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये पीछे पार्किंग है गाड़ियों की। तो यहाँ पे इस साइड देखो तो आप, ये पूरा कुलधारा गांव है। यहाँ इसी को भूतों का अड्डा कहा जाता है। यहाँ पे भाई साइंटिस्ट वगैरह भी आए हुए हैं। साइंटिस्ट वगैरह ने भी घोषित किया कि यहाँ पे भूत रहते हैं, भूतों का अड्डा है। तो भाई अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं इसकी कहानी क्या है, देखते भूत है भी या नहीं है। वैसे यहाँ पे 6 बजे के बाद कोई नहीं रुक सकता, कोई कठोर दिल वाला ही रुक सकता है 6 बजे के बाद भी यहाँ पे। तो अभी हम आ गए हैं कुलधारा गांव के अंदर, एंट्री कर चुके हैं। तो भाई आ जाओ वीरान गांव, हमारे घर वगैरह दिखाते हैं आपको सब कुछ। आ जाओ अंदर, आ जाओ। Part of me wants to stay forever. यहाँ का पुराना और वीरान मंदिर है। चलो अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या है। ये देखो भाई, ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही पुराना है भाई, दिखने में बहुत ज्यादा। तो भाई ये जो मंदिर है ना, बहुत ही पुराना है। यहाँ पे पहले मूर्तियां वगैरह रखी होती थी, जो यहाँ के गांव के निवासी थे तो यहाँ पे पूजा करने के लिए इस मंदिर में ही आते थे। तो जो कि यहाँ पे मूर्तियां थी ना, वो खंडित हो चुकी है फिलहाल के लिए। यहाँ पे फोटो वगैरह टंगी हुई है लगाई हुई भगवान की। तो जूम करके दिखा दो थोड़ा। तो फ्रेंड्स, एक चीज दिखाऊं आपको भाई, तो आप जूम करना थोड़ा। ये देख रहे हो आप, ये भाई चमगादड़ है, या चमचड़ी बोल दो, या बैटमैन बोल दो भाई। इतने सारे जहाँ पे यहाँ पे वीरान गांव होते हैं ना, खाली घर हो चुके साथ, सब घर में ये चमगादड़ है यहाँ पे। चमगादड़, चमचड़ी, सब कुछ बैटमैन भाई। चलो भाई, वैसे ही एलर्जी सी है बिल्कुल, ऐसे होते हैं अगर एक बार चिपक गए ना तो भाई गर्म चिमटे से उतारना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो भाई, आपको मैं पुराना खंडर दिखाता हूँ। ये मंदिर का खंडर है। तो भाई बिल्कुल हाइट में भी कम है। देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई। अंदर जाओगे ना, आपको डरावना सा महसूस होगा अंदर। डरावना
ओ भाई पहले डर लग रहा है मेरे को, तो मैं नहीं जा रहा अंदर इसके। डर तो मेरे को उनसे लग रहा है, पता क्या है, डर तो मेरे को उनसे लग रहा है जो यहाँ पे चमगादड़ है ना, भाई वो ना चिपक जाए एक बार। चल चलते एक बार। क्या है अंदर की तरह भाई, अजीब सी स्मेल है यहाँ पे, बाकी देख रहे हैं एक नेगेटिविटी सी तो है भाई यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा भारी भारी सा होता है। तो चलो आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे इतना वो मजा सा नहीं आ रहा। तो आ जाओ यार मंदिर की छत के ऊपर चलने वाले हैं, हम मंदिर की छत को दिखाते हैं हम कैसी बनी हुई है कैसी नहीं है। ये देखो भाई यहाँ पे एक और एंट्री है। आ जाओ एक चीज दिखाता हूँ आपको, ये लकड़ी देख रहे हो आप, ये लकड़ी है ना भाई, पुराने जमाने में लकड़ी छत बनाई जाती थी ताकि भाई गर्मियों में ठंडी रहे बिल्कुल अच्छे से, क्यों भाई पहले तो बहुत तपत पड़ती थी यहाँ पे गर्मी के टाइम में, तो इसलिए बनाई जाती है। तो भाई एक तो रोहिड़ा लकड़ी है, एक खेजड़ी लकड़ी है, इन दोनों लकड़ियों का इस्तेमाल होता था यहाँ पे बनाने में। तो यहाँ से पूरे गांव का दृश्य दिख रहा है उस साइड, सारे पुराने पुराने ये घर बने हुए हैं, इनकी छत नहीं है लेकिन लकड़ियाँ वगैरह गल चुकी है शायद। चलो आगे दिखाते हैं आपको आगे क्या सीन है। तो भाई अभी हम मंदिर की छत के ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ से पूरे गाँव का नज़ारा दिखता है, पूरे गाँव का। Part of me wants to stay forever. Part of me is afraid to get hurt. Love always made a mess. तो ये घर देख रहे हो ना, तो यहाँ पे बैठे हुए फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं, इसके नीचे भाई इसके अंदर गुफाएं वगैरह है, तो गुफाएं वगैरह देखेंगे हम अंदर चल के देखते हैं भाई। डर से थोड़ा थोड़ा डर तो मेरे को भी लग रहा है, लेकिन भाई आपके लिए दिखाना तो है, आपके लिए जरूर जाएंगे भाई अंदर। चलो अंदर चलते देखते हैं भाई अंदर का कैसा है। चलो आ जाओ इसके अंदर चलते हैं भाई, इसके अंदर गुफा वगैरह इसके अंदर देखते हैं क्या सीन है इसका। आ जाओ ये देखो भाई दरवाजा यहाँ पे लगा हुआ है, तो भाई इसके अंदर चलते हैं, हल्का फुल्का डर सा लग रहा है मेरे को थोड़ा बहुत, तो अंदर चलते देखते हैं इसके अंदर क्या है। आवाज जैसी आ रही है यार, अंधेरा हो गया यहाँ पे तो यार। भाई दरवाजा बंद मत होने दे। हाँ। आना ही पड़ सकता है। फ्रेंड्स रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई मेरे, रोंगटे। अजीब से मतलब सर भारी भारी हो रहा है यहाँ पे, अजीब सी नेगेटिविटी हो रही है। भाई तेरे भी हो रहा है क्या? हाँ यार मेरे को भी डर लग रहा है, कैसे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्या बात है यार। अरे बनने दे वीडियो तो। अरे यार मेरे को खुद को डर लग रहा है, अंधेरा हो गया बिल्कुल इतना यार, गेट बंद मत करना। अरे 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 यार ये क्या हो रहा है भाई, सर दर्द सा कर रहा हूं, रोंगटे खड़े हो रखे हैं, बिल्कुल ठंडक हो रखी है यहाँ पे। तो भाई इससे अच्छा बाहर ही चलते हैं एक बार। चलो बाहर चलते हैं भाई, बाहर चलो, बाहर चलो, मेरे को खुद को डर लग रहा है, चलो बाहर चलते हैं। तो यार ये पालीवाल ब्राह्मणों का गांव है पूरा का पूरा, ठीक है ये देख रहे हो आप, मंदिर अभी गए थे हम विजिट करवाया था मैंने, तो ये भी भाई पालीवाल ब्राह्मणों का मंदिर है, तो जो भी पूजा पाठ होते थे पालीवाल ब्राह्मणों के तो इस मंदिर में होते थे। तो ये देखो भाई यहाँ पे ना पूरी ठंडी हवा चल रही है अभी फिलहाल, फुल सूरज ऊपर से भाई गर्मी दे रहा है, ठीक है ऊपर से किरणें आ रही है सूरज की गर्म गर्म, लेकिन हवा बिल्कुल ठंडी चल रही है। तो आइए हम यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं इतिहास क्या है इसमें, आ जाओ। और एक और चीज भाई, अभी तो इसको रिपेयर किया हुआ है, जैसे गोबर होता है ना गोबर मल देते हैं अपने हरियाणा में, गाँव में क्या होता है भाई गोबर से लिपाई कर देते हैं, ठीक है वैसे इनकी लिपाई की हुई है फिलहाल के लिए। तो यार ये जो देख रहे हो आप इसको पहले जमाने में पुराने लोग गाड़ा बोलते थे, जैसे बैल वगैरह होते हैं ना, बैल वगैरह के ऊपर टांग के तो लोग यहाँ से सामान वगैरह वस्तुएं जो भी कुछ लानी हो तो बाहर से इसी के सहारे लेके आते थे। तो भाई तब तो कोई ट्रेन वगैरह गाड़ी साइकिल वगैरह कुछ नहीं थे, तो भाई इसी के सहारे चलता था। तो भाई काफ़ी पुराने हो चुके हैं भाई, बाकी अपनी देसी भाषा में हरियाणवी भाषा में बोले तो भाई बुग्गी है एक प्रकार से, बुग्गी भाई अपने जोटा बुग्गी ने लेकर चल जा रहा है, नहीं पहले जमाने में बैल होते थे, बैल इसको लेके चलते थे। चलो आगे दिखाते हैं फिर आपको आगे क्या सीन है यहाँ का, आ जाओ। रावनी है जो यहाँ की, तो भाई इसके बारे में बताएंगे अंदर चलते देखते इसके अंदर क्या है क्या नहीं है।
तो भाई जैसे अभी अंदर एंटर कर चुके हैं हम, तो यहाँ पे तो भाई अभी तो रिपेयरिंग सी की हुई है, गोबर वगैरह की लिपाई की हुई है यहाँ पे। ये अंदर पूरा खाली है, तो अंदर चल के देखते हैं क्या है। तो भाई ये अंदर का सीन, यहाँ पे वैसे तो कुछ नहीं लग रहा है मेरे को, देखते हैं यहाँ पे कोने वगैरह में क्या है। अरे क्या होगा क्या होगा, डर सा भाई। हाथ लगाया ना मैंने, जैसे हाथ को टच किया ना, उंगली को पकड़ दिया किसी ने, ऐसा लगा भाई, करंट सा लगा एक प्रकार से, और एकदम से यहाँ पे ऐसे हाथ गया मेरा। तो फ्रेंड्स एक यहाँ पे एक गुफा सी है, मतलब गुफा तो क्या, कमरा है, खाली है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो इसके अंदर चलते हैं देखते हैं भाई। भाई अजीब सी स्मेल आ रही है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे भी फुल नेगेटिविटी है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं प्रकार से, यहाँ पे देखते हैं। अरे भाई छुआ है किसी ने यार मेरे को यहाँ पे, ऐसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है छुआ है। कौन है भाई एडा, कोई हो तो बता दो। भाई पर सही सी दिखती है, चल 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 बाहर, चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर, चल चल बाहर, चल। तो फ्रेंड्स भाई जो यहाँ की मेन ड्रावनी जगह है ना, तो यहाँ पे है, देखो नीचे दिखा देते हैं एक बार। यहाँ पे पुराने जमाने के लोग होते थे जो यहाँ पे गांव में रहते थे, पालीवाल ब्राह्मण। तो भाई यहाँ पे सोना चांदी वगैरह रखते थे अंदर इस गुफा में। तो भाई गुफा का थोड़ा अंदर का व्यू दिखा देते हैं आपको, अंदर बहुत ड्रावना है, ये दिखाओ। तो यहाँ के जो साइंटिस्ट है ना, मतलब जो भी साइंटिस्ट है इंडिया के, उनका भी मानना है भाई यहाँ पे रियलिटी में भाई कोई रहता है, कोई नेगेटिविटी मतलब फीलिंग है यहाँ पे, भूत रहता है। तो भाई नीचे दिखाते हैं आपको थोड़ा कैमरा जूम, नीचे जाने नहीं वाला मैं, यहाँ पे बहुत से आए अभी, कोई नहीं गया नीचे, सबके सब डर रहे थे भाई, बट दूसरों को देख के तो भाई थोड़ा बहुत होता ही है। तो भाई फिर भी तुम्हारा भाई थोड़ी पैड़ी नीचे उतरेगा, हिम्मत दिखाएगा, आओ देखते हैं। एक पैड़ी दिखा भाई, कैमरा दिखा। हाँ ये लो कैमरा, ये देखो भाई बैटमैन चमगादड़। तो फ्रेंड्स आपने देखा भाई, यही थी यहाँ की कहानी, बोलते भूत वगैरह। बाकी मेरे को तो कुछ लगा नहीं, बाकी थोड़ा बहुत लगा, उसका हार्ट बीट तेज हो रही थी इसलिए मैं अंदर गया नहीं। उधर कमरे में नीचे गुफा सी थी जहाँ पे, वहाँ पे सोना वगैरह रखते थे, वहाँ पे भाई बहुत सारे चमगादड़ थे, सबसे ज़्यादा चमगादड़ से डर लग रहा था मेरे को, क्योंकि भाई वो चिपक गए ना, बहुत तकलीफ होती है। तो ये देखो भाई पूरे गाँव का व्यू है यहाँ पे, पूरा दिखा दो एक बार, अभी तो हरियाली हो रखी है। पे तालाब है भाई, अभी तो सूखा हुआ है, लेकिन जो नहाने के लिए जो भी इस्तेमाल के लिए यूज होते थे ना पानी, तो यहाँ से भरते थे लोग, वो तालाब है उधर, ठीक है। पीने के लिए बहुत दूर से लेके आते थे भाई, यहाँ पे कुएं वगैरह तो है नहीं, तो भाई समझ रहे हो आप। तो अपने यस भाई बताएंगे भाई यहाँ का सीन क्या है, यहाँ पे क्या चीज होती थी। चलो हम जैसलमेर से आ चुके हैं कुलदरा गाँव, कौन सा, यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूर है जैसलमेर। हम वहाँ से यहाँ पे आए देखने के लिए कुलदरा की कहानी क्या है, उसके बारे में बताने के लिए आए। हमारे साथ है रोहित भाई, तो हम बताएंगे अब क्या कुलदरा। ये कुलदरा गांव है, एक शरापित गांव है। यहाँ से क्या, पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा होते थे, उनके मंत्री थे सालिम सिंह, उसी के दुसाध से ये सारा गांव है ना शरापित था। यहाँ से कितने 84 गाँव खाली हो गए थे रातों रात में, और इसी गाँव को शरापित किया गया था। तभी यहाँ से जो शरापित गांव थे, बट यहाँ के लोग थे ना, वो इसी गांव को छोड़ के कहाँ चले गए,
पाली, वहाँ यहाँ से छोड़ के उन्होंने गांव बसाया पाली। वो कौन थे लोग? वो पालीवाल ब्राह्मण थे और उनको पाठ पूजा करनी होती थी, यही मंदिर का यूज करते थे। और यहाँ की जो खास बात बताए तो यहाँ की औरतें वगैरह होती थी वो पानी के लिए दूर दराज तक जाती थी। वो एक ही औरत कितने 7 मटके लेके आती थी। आज के ज़माने में देखा जाए तो एक औरत को एक मटके में अगर 1 किलोमीटर भी भेजा जाए ना तो नहीं तकलीफ होगी उन औरतों को। ये जो आप देख रहे हैं कुलदरा गांव एकदम वीरान पड़ा हुआ है, आप एक बार देख सकते हो इस गांव के क्या खासियत क्या है। यहाँ है ना सिर्फ पत्थर को जॉइंट किया गया है, ना सीमेंट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के यूज किया गया है। तभी इसको इस घर की छत वगैरह टूटी हुई है देख सकते हो आप। और जब पुराने ज़माने में पानी यूज़ करते थे वो इसी का तालाब का पानी यूज़ करते थे पुराने ज़माने के लोग। और यहाँ पे जब सामान दूर दराज तक लेने जाना पड़ता था तो बैलगाड़ी का यूज़ करते थे पुराने ज़माने में। क्या ट्रेन वगैरह गाड़ियाँ वगैरह का प्रचलन था नहीं तभी। और यही आप देख रहे हो। और यहाँ पे जो लोग रहते थे वो लिमिट मात्रा के, जैसे कि गरीबी रेखा से नीचे की तरफ रहते थे, तभी कोई है ना मिट्टी वगैरह गोबर वगैरह होता इसी का लेप करते थे और यही से घर बनाए थे, खान पान का वगैरह सारा कुछ यही पे यूज करते थे। तो यार अभी आ गए हम यहाँ पे गांव में, आ जाओ गांव का सीन दिखाते हैं आपको। तो यहाँ के जो घर है ना भाई, जो अभी तो टूट चुके हैं, काफी खंडर हो चुके हैं बिल्कुल। तो पहले ऐसे सीमेंट वगैरह का यूज नहीं करते थे, पत्थर के ऊपर पत्थर रखते थे बिल्कुल। तो भाई जो यहाँ पे देख रहे हो ये दीवार खड़ी हुई है ना, ये इतनी मजबूत है बहुत ज्यादा, अगर गाड़ी टक्कर लग जाए ना तो गाड़ी टूट सकती है, इसको कुछ नहीं होगा। और पता है इसकी खास बात ये है, ना तो इसमें सीमेंट यूज की गई है, ना कुछ और मिट्टी लगाई गई है, ये सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर टिका के इसका ढांचा तैयार किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो आ जाओ आपको एक गांव का टूर करवाते हैं, आ जाओ दिखाते हैं आपको कैसे कैसे होते थे। तो ये देखो भाई, ये पूजा पाठ के लिए मंदिर बनाते थे लोग यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे पूजा पाठ होती थी। और एक प्रकार से टीवी के साइज में बनाया हुआ, क्या बता भाई पुराने जमाने में टीवी भी हो, टीवी भी देखते हो वो तो भाई उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता क्या करते थे। चलो आगे चलते हैं और थोड़ा सा देख रहे हैं गांव में घूम के बहुत। तो यार यहाँ पे एक मूवी शूट भी हुई है, आपको पता हो तो एक कालो मूवी है अभिजीत की, वो जो CID में आता है उसकी मूवी है। यहाँ पे एक दानव सा होता है वो हरा हरा सा, देखा हो तो वो मूवी भी यहाँ पे शूट की गई है पूरी यहाँ पे। अगर किसी ने नहीं देखी तो भाई यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना आप कहीं भी कालो नाम से, कालो मूवी अभिजीत, तो आपको सामने आ जाएगी। तो चलो आगे देखते हैं हम कुछ अलग चीज़ें, आ जाओ है ना। ये मैम हैदराबाद से है, मैम आपका नाम क्या है? अनन्या। क्या आप बहुत बढ़िया कर रहे हो ये अंकल। अच्छा मैं देख रही हूँ आप सेपरेट माइक्रोफोन ऐसा कुछ यूज करते हैं? नहीं नहीं मैं ओनली बस सीधा कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। तो आप हैदराबाद से, आप क्या करते हो? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करते हो, चलो बहुत बढ़िया है जी। तो भाई ये अनन्या मैम है, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स भाई ये यहाँ का कुआ है बावड़ी, ये बावड़ी लिखा हुआ है ना, तो भाई कुएं को बावड़ी बोलते हैं यहाँ पे। तो आ जाओ आपको कुआ दिखाते हैं यहाँ पे कैसे कैसा है। Part of me wants to stay forever. Part of me is. तो ये यहाँ का कुआ है भाई, यहाँ पे कुआ या इनकी भाषा में बोले तो बावड़ी है यहाँ की। तो यहाँ से सिंचाई करते थे लोग, पानी वगैरह यहीं से भर के लेके जाते थे। अभी तो भाई बहुत साल बाद यहाँ पे मिट्टी वगैरह आ गई, बहुत ज्यादा मिट्टी से इकट्ठा कर दिया है यहाँ पे, लेकिन ये पहले बहुत गहरा होता था और भी ज्यादा। तो यहाँ तक तो उतर गया, वही घबराहट तो हो रही है कहीं ऊपर से कुछ गिर ना जाए XYZ। तो भाई बहुत बढ़िया है यार, ये तो मस्त लग रहा है। वैसे यार लोगों ने यार गंदगी फैला रखी है यहाँ पे, देखना बोतलें वगैरह पानी की बोतल हो गई और बहुत से कुछ यहाँ पे तो पता नहीं सेलिब्रेट भी करके गए कुछ ना कुछ। ये अच्छा नहीं है यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो भाई रस्सी वगैरह नहीं होती थी ना, तो भाई यहाँ से सीढ़ियों से नीचे आते थे तब जाके यहाँ से कुएं से पानी भर के लेके जाते थे। वैसे तो ऊपर तक होता था पानी यहाँ सीढ़ियों पे, अब नहीं है भाई। चलो चलते हैं आप। ये है यहाँ का कुआ भाई बावड़ी की भाषा में। तो दिखाओ भाई कितना गहरा है ये यहाँ का, बहुत ज्यादा गहरा है भाई, बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक कुलदरा गांव दिखा दिया है, जितना भी है छोटा मोटा जैसा भी है, तो बहुत बढ़िया गांव लगा यार। डरने वाली इतनी कोई खास बात नहीं है, बस यहाँ पे यार चमगादड़ वगैरह है तो उनसे डर लग रहा है थोड़ा बहुत।
तो बहुत ही अच्छा गांव है, बहुत टूरिस्ट आ रखे हैं, बहुत अच्छा शूट भी कर रहे हैं, फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी मस्त जगह है। ठीक है तो भाई अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं। अगर कुछ पूछना हो, जानना हो तो भाई कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता।